Hello everyone, I hope you all are doing great and consistently preparing for the upcoming exams of RRB and so on. So I'm Priya working as RRB PO and आज हम देखने वाले इस वीडियो में कि बैंकिंग अवेयरनेस जो हमारे करंट अफेयर्स का एक जनरल अवेयरनेस का एक पोर्शन होता है तो उसका क्या रोल होता है पूरे सेक्शन में एंड प्लस उसको हमें स्किप करना चाहिए या नहीं बिकॉज बहुत लोग सोचते हैं कि बस थोड़े से मार्क्स के लिए वो आता है तो उसे स्किप कर देते हैं, करंट अफेयर्स कर लेंगे उससे अच्छा वगैरह वगैरह एंड उसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं अगर हमने उसके स्किप किया एंड प्लस मैं शेयर करूँगी कुछ सोर्सेज जो फ्री एंड पेड दोनों सोर्सेज में शेयर करूँगी जो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है एंड बाकी इसके अलावा हम देखते हैं मेरे नोट्स जो मैंने बनाए थे। तो ये मेरे नोट्स है, अभी बहुत लोग बोलेंगे नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है या नोट्स बनाना क्यों जरूरी है, बट बैंकिंग अवेयरनेस एक ऐसा है, स्पेशली स्टैटिक बैंकिंग। स्टैटिक बैंकिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आप सोच रहे हो बैंकर बनना, अगर आपको बैंक जॉब करना है लाइफ लाइन, तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए एंड टाइम टू टाइम इसका यूटिलाइजेशन आएगा आपको। लाइक बैंक में ज्वाइन होने के बाद भी आप जब प्रमोशनल एग्जाम्स दोगे या JIB CIB दोगे तो उस वक्त भी बैंकिंग अवेयरनेस पर ही सब कुछ डिपेंडेंट होता है एंड प्लस हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होते हैं जो बैंक में हमें काम करना होता है तो उसके लिए भी बैंकिंग अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें पता होना चाहिए ना कि क्या बात हो रही है। अगर कस्टमर आ रहा है वो पूछ रहा है कि मुझे 1.5 लाख का RTGS करना है तो मैं क्या करूँ, तो हमें पता होना चाहिए कि 1.5 लाख के लिए हम नेफ्ट करते हैं या RTGS करते हैं या बाकी सारी चीज़। अगर हमें करंट न्यूज़ हमारी चल रही है कि रेपो रेट इतने परसेंट से बढ़ गया, इतने बेसिस पॉइंट से बढ़ गया, तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रेपो एंड ये कौन डिसाइड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह क्या होती है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात कर रही चल रही है, चेक वगैरह डेली डेली बेसिस पे चेक आपको डील करने पड़ेंगे बैंक में, तो फिर उसके लिए क्या होता है एक स्ट्रक्चर, चेक कैसा होना चाहिए, चेक कैसा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जिसके लिए बैंकिंग अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एग्जाम में नहीं आता है या कम पोर्शन आता है इसलिए हम इसे स्किप कर दें, बिकॉज बहुत पछतावा होता है बाद में बिकॉज उतना टाइम नहीं मिलता है एक एक चीज़ें पढ़ने का एंड अगर बैंक में जॉब करना है तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, अदरवाइज कस्टमर को हम पे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आएगा अगर हम कोई चीज़ कॉन्फिडेंटली नहीं बोले तो इसीलिए बैंकिंग अवेयरनेस का इंपॉर्टेंस तो बहुत होता है। बट उसमें यह है कि बहुत लोग सोचते हैं कि हम स्किप कर दें, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिए, उन्हें ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स से हो जाएगा, बट करंट अफेयर्स में भी जो बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स आएंगे, ठीक है मान लेते हैं कि 40 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस आना है तो उसमें 20 क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे बैंकिंग अवेयरनेस के, बट 10 क्वेश्चंस टोटल जरूर आएंगे, मिनिमम 10 क्वेश्चंस तो जरूर आएंगे इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स जो करंट बैंकिंग अवेयरनेस है एंड स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस है। तो करंट बैंकिंग अवेयरनेस के लिए तो आपको जो आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो या मंथली वीकली जैसा भी पढ़ रहे हो उसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी की न्यूजेज आती है, आपको वो कवर कर लेनी है, तो उसमें आपका बैंकिंग अवेयरनेस जो करंट में चल रहा है वो पूरा कवर हो जाएगा। बट स्टैटिक के लिए हमें क्या करना है वो हम देखते हैं आगे। तो देखिए स्टैटिक में हम जो भी पोर्शन होते हैं हमारे लाइक सब कुछ बैंकिंग अवेयरनेस, बेसिक मॉनेटरी पॉलिसी, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सारी चीज़ें, बेसल नॉर्म्स वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है एंड सरफेसी जो भी लॉज होते हैं बैंकिंग में यूज़ होने वाले, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, RBI एक्ट, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें एंड उससे रिलेटेड फिर जो भी एक्शंस वगैरह होते हैं जैसे DRT ये वगैरह टर्मिनोलॉजीज होती है तो वो हमें पता होनी चाहिए बींग अ बैंकर एंड तो वो सारी चीज़ें करने के लिए फ्री सोर्सेज में सजेस्ट करूंगी आपको। तो अनिल अग्रवाल सर का एक प्लेलिस्ट है बैंकिंग अवेयरनेस पे, इनके बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस है लाइक 5-6 मिनट्स के, तो वो वीडियोस मैंने देखे थे एंड स्पेशली इंटरव्यू के लिए ये वाली प्लेलिस्ट बहुत हेल्पफुल होती है बिकॉज हमें शॉर्ट में कितना आंसर बताना है इंटरव्यूअर को वो भी हमें एक आइडिया आ जाता है इस प्लेलिस्ट से कि बस इतना बोलने से हमारा आंसर जस्टिफाइबल होगा एंड इतना इनफ है, तो वो उसके लिए अनिल अग्रवाल सर की प्लेलिस्ट एंड अगर आप बिगनर भी हो तो आप देख सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है डायरेक्टली जाके बहुत सारा पढ़ने में तो छोटे छोटे वीडियो से आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। एंड कपिल काटपाल सर का एक 8 आवर्स का वीडियो है यूट्यूब पे, तो वो भी एक बहुत अच्छा फ्री सोर्स मैं बोलूँगी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, जिन्हें एक बार चाहे उन्होंने पढ़ लिया हो तो उन्हें एक बार रिवीजन अगर करना है तो वो फास्ट फॉरवर्ड करके उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, या जो बिगनर्स है तो वो लोग उन्हें देख सकते हैं अच्छे से एंड समझ सकते हैं बैंकिंग अवेयरनेस का बेसिक कि क्या होता है बैंकिंग अवेयरनेस। स्टैटिक पोर्शन की मैं बात कर रही हूँ एंड अगर PDF सोर्सेज की बात करें तो एग्जाम पंडित या गाइडली का PDF मैंने ऑलरेडी ये टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करके रखा है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, आई विल पिन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड Adda247 का भी बैंकिंग अवेयरनेस का एक बहुत अच्छा PDF आता है जो ऐप पे भी अवेलेबल हो जाएगा आपको एंड ऑडियो बोर्ड का भी आता है, तो मैंने तो Adda का पढ़ा था एंड गाइडली वगैरह से बाद में देखा था एंड ऑडियो बोर्ड का भी आता है, क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में, MCQ फॉर्म में भी आता है एंड डिटेल में भी आता है। तो ये थे फ्री सोर्सेज, बाकी मैंने कहाँ से पढ़ा है मैं बता देती हूँ, मैंने फ्री सोर्सेज तो बाद में फॉलो किया, मतलब ये सर की प्लेलिस्ट वगैरह मैंने जब इंटरव्यू था RRBPO का वगैरह तब देखी थी, बट उसके पहले मैंने वॉरियर बैच की थी आशीष गौतम सर की, तो वो वॉरियर बैच के ये मेरे नोट्स थे जहाँ पे मैंने सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एंड वो बहुत मतलब फनी वे में भी पढ़ाते हैं तो हमारा मन लगा रहता है पढ़ने में भी, जैसे ऐसे डायग्राम्स वगैरह बना के वो पढ़ाते हैं
तो मैं भी वैसे वैसे फिर नोट डाउन करती थी डायग्राम बना के, तो जब हम रिवाइज भी करते हैं ये सारी चीजें तो हमें इजीली रिवीजन में हेल्प हो जाती है। एंड प्लस जब आफ्टर ज्वाइनिंग द बैंक आप जॉब पे लग ही जाओगे कभी, एंड उसके बाद फिर आप तो टारगेट करोगे ना नेक्स्ट JIB या CIB या प्रमोशनल एग्जाम्स या Scale 2 वगैरह, तो सब में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बैंकिंग अवेयरनेस। बिकॉज स्टैटिक चीजें ऐसी है कि वो चेंज नहीं होने वाली है, तो वो हमें पता होना जरूरी है। बिकॉज जो करंट में भी न्यूजेज आती है, अगर आप बोलो कि करंट में पढ़ने से बैंकिंग अवेयरनेस हो जाएगा तो बिल्कुल हो जाएगा, बट वो ऊपर ऊपर से होगा, आपको बस उतना ही नॉलेज रहेगा। अगर आपको डीप में नॉलेज बैकग्राउंड भी समझना है उस चीज का, कि अगर किसी ने बोल दिया कि ठीक है RTGS की लिमिट बढ़ गई, बट व्हाट इज RTGS, वो कहाँ से इनिशिएट हुआ, कब से लॉन्च हुआ या क्या हुआ, ऐसी सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप डिटेल में पढ़िए स्टैटिक पोर्शन को भी, तो बिल्कुल स्किप करना। बाकी आपका जो करंट अफेयर्स में जो कवर होगा वो जो रेगुलर वाला बैंकिंग अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो उधर कवर तो हो ही जाएगा। बाकी मैंने वॉरियर बैच की बात की कि मैंने वॉरियर बैच किया था, तो मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप लेना चाहते हो तो आशीष गौतम सर का अड्डा अड्डा एप्लीकेशन से ले सकते हो। बाकी फ्री सोर्सेस से भी काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्री सोर्सेस से आप नहीं पढ़ सकते हो। अगर आपने PDF अच्छे से रीड कर लिया एंड उसके बाद क्विजेज वगैरह दिए, तो क्विजेज कहाँ से देना है वो मैं बताती हूँ। एंड ये वीडियोज वगैरह सुन लिए जब भी आपको फ्री टाइम है, तो अनिल सर के जरूर से वो वीडियो शॉर्ट शॉर्ट देख लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में भी अवेलेबल होते हैं उनके वीडियोस, तो आप जाके देख सकते हैं। एंड क्विजेस जो है मैंने क्विजेस देती थी अड्डा एप्लीकेशन से, तो बैंकिंग अवेयरनेस के क्विजेस वहाँ से देती थी, तो डेली बेसिस पे 2 या 3 क्विजेस दे दो, इनफ है एंड ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। एंड अगर आपको कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है तो भी एक्सप्लेनेशन तो हमें क्विज में नीचे मिल ही जाता है फिर बाद में, तो वैसे क्विजेस से हम भी पढ़ सकते हैं एंड हर जगह क्विजेस मिलते हैं। प्लस मैं जो मॉक देती थी मेन्स के, एंड मॉक में जो भी क्वेश्चन आते थे तो हम इसको नोट डाउन करके रखती थी स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चन को। बाकी करंट अफेयर्स वाले तो हम करंट अफेयर्स के PDF वगैरह होते हैं उसमें नोट्स में नोट डाउन करके हाईलाइट करके रख ही सकते हैं। एंड बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो मैंने हमेशा बोला है कि करंट अफेयर्स के नोट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब बनाना जरूरी नहीं है। आपको रेडीमेड बहुत जगह से मिल जाता है PDF वगैरह, तो आप उसी को हाईलाइट कर सकते हो, या बहुत लोगों को है टाइम बाकी चीजों को ज्यादा टाइम नहीं देना है, करंट अफेयर्स को ज्यादा टाइम देना है, तो वो लोग अपना सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं। बिकॉज सेल्फ नोट्स का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो हमेशा बेस्ट ही होता है एंड हमें इजी पड़ता है जब हम रिवाइज करते हैं, तो क्योंकि अपनी लैंग्वेज में हमने लिखा है तो जल्दी समझ में आता है, जल्दी रिकॉल होता है। बट बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स तो मैं सजेस्ट करूंगी कि सभी ने बनाने चाहिए। अब भी ऐसा है कि बहुत लोग फ्रेशर्स हैं एंड उनको डायरेक्ट एग्जाम टारगेट करना है, तो ठीक है उस हिसाब से आप PDF वगैरह में हाईलाइट कर लो या कुछ कर लो। बट अगर आपको टाइम है, आपके पास टाइम है, आप सोच रहे हो कि बैंकिंग अवेयरनेस के लिए हम निकाल सकते हैं, तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए उसके, एंड कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको नोट्स में लिखने के लिए। जब आप वीडियो देख रहे हो उसी वक्त लिख लीजिए, तो आपको बाद में भी यूज़ होंगे आफ्टर ज्वाइनिंग द बैंक ऑल्सो, तो इसलिए ये वीडियो मैंने सोचा कि आपको ज़रूर बताना चाहिए। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अप्रोच क्या होना चाहिए जब हम सॉल्व करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस, तो क्या अप्रोच होना चाहिए। तो अप्रोच ऐसा ही होता है, देखो सिमिलर ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, जब भी स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो बहुत सिमिलर ऑप्शंस दिए जाएंगे। एंड स्टैटिक क्वेश्चन भी कैसा होता है ना, आजकल ऐसा है कि ज़्यादा एकदम कहीं से भी इरिलेवेंट टॉपिक का स्टैटिक नहीं पूछ लेते, जो करंट में न्यूज़ चालू है उसी से रिलेटेड स्टैटिक पूछते हैं, तो इसलिए हमें दोनों भी पता होना जरूरी है। तो हमें फिर जो भी टॉपिक्स करंट में चल रहे हैं बैंकिंग से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड, वो हमें ध्यान में रखने हैं, पढ़ने हैं जो कि हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, एंड उसका फिर हमें तुरंत ही स्टैटिक भी पढ़ना है, तो इससे हमें बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी। प्लस हम जो भी मॉक्स देंगे उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं रिपीटेडली आते हैं, या जो भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं कि बार बार पूछे जा रहे हैं, तो वो नोट डाउन कीजिए। इवन प्रीवियस मॉक्स भी, जो पिछले साल के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देते हैं वगैरह, उसमें भी जो भी स्टैटिक पोर्शंस आता है जो चेंज नहीं हुआ होगा, वो आप आराम से नोट डाउन करके रख सकते हैं, एंड उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करने से आपका हो जाएगा। तो बस यही था इस वीडियो में, आई होप आप इन सोर्सेज में से किसी को फॉलो करो एंड आपको इससे हेल्प मिलेंगे। एंड प्रैक्टिस इज मस्ट, चाहे स्टैटिक बैंकिंग हो या रीजनिंग हो या क्वांट हो, कुछ भी हो, आपको क्विजेस के फॉर्म में जब तक आप नहीं लगाओगे क्विजेस, तब तक आपको वो एक ये नहीं आएगा कि ऑप्शंस किस टाइप से आते हैं। बिकॉज पढ़ने से तो हमें वो न्यूज़ पता चल जा रही है, वो टॉपिक पता चल जा रहा है, बट जब तक हम क्विज नहीं देंगे हमें ये नहीं समझेगा कि ओके इससे पैरेलल ये चीज़ें भी पूछी जा सकती है, या इसके ऑप्शंस में ऐसे ऐसी चीज़ें हमें कंफ्यूज करने के लिए डाली जा सकती है। तो इसीलिए क्विजेस देना इज मस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना इफ दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द बैंक एग्जाम्स। एंड फॉर मोर सच वीडियोज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट एनी टाइम कर सकते हो, मैं जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ के उसको रिप्लाई करना, एंड मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपना जितना भी है 100% उसको जेन्युइनली रिप्लाई कर सकूँ। सो प्लीज डू दैट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।